हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन सो गाइस हम लोग का चैप्टर चल रहा था थ्री ज्योमेट्री एंड थ्री ज्योमेट्री में हमने इसके पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लिया था स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म आज हमें लाइन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कामों को पढ़ना है जिसमें सबसे पहला हमारा जो पहला टास्क है बेटा हमारे सामने उसका नाम है डिस्टेंस ऑफ ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम आ लाइन किसी पॉइंट की लाइन से हमें डिस्टेंस निकालनी है मोर बेटर इसके दो तरीके हैं एक है आपका वैक्टर फॉर्म और दूसरा है आपका एक तरीके से कह लीजिए कार्टिशियन फॉर्म तो एक में हमें सिचुएशन जो दी होगी वो हो, पूरी वैक्टर वैक्टर की दी होगी और एक सिचुएशन हमें क्या दी रही होगी वैक् स्केलर की दी गई होगी अब हमें करना क्या है इस सीन में देखिए एक्चुअली आपके पास एक गिवन लाइन रहेगी ये एक लाइन लाइन। है। ओके, दिस इज आप सभी जानते हैं कि इस इक्वेशन क्या होता है से जा रही है और इसका पोजिशन वैक्टर है वैक्टर ए और ये एक अनादर वैक्टर वैक्टर बी के पैरल है तो ये इक्वेशन इस लाइन का बनता था आपने पढ़ा हुआ है पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये इस लाइन का इक्वेशन है क्लियर अब सीन में नई चीज क्या है कि बेटा आपको यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी दिया गया है पी का पोजीशन वेक्टर है अल्फा वेक्टर क्या वेक्टर बेटा अल्फा आपको इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो ये निकालना है सो दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यू कैन से इट पी एम क्या निकालना है पी एम तो बेटा इसका फॉर्मूला आपको सीधे सीधे रट रटना है ठीक है ना वैसे थ्योरम का यूज करके इसको हम इससे मिलाते हैं इससे मिलाते हैं फिर प्रोजेक्शन वगैरह करके निकालते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है हम आपको सीधे इसका फार्मूला बता रहे हैं इसका सीधा फार्मूला जो है आपको याद करना है वो है पी एम इज इक्वल टू अभी मैंने बताया क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है और पीएम बेस है तो बेस इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो बेस इक्वल टू अंडर रूट आएगा यहाँ पे ओके बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट अब आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वेक्टर जनरेट होगा देखो ये अल्फा माइनस ए है तो या तो आप इसे अल्फा माइनस ए कह लो हाँ तो अल्फ़ा माइनस ए कह लो या ए माइनस अल्फा कह लो तो क्या बन जाएगा इसका हाइपोटेनस अल्फ़ा माइनस ए अल्फा वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब फीलिंग आ रही वही कौन सी फीलिंग वाली है ना जैसे ट्रायंगल होता है आपके पास में ये हाइपोटेनस होता है ये बेस होता है ये परपेंडिकुलर होता है उल्टा बुल गया ये परपेंडिकुलर और ये बेस मान लीजिए इस एंगल के लिए तो आप क्या लिखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो फिलहाल आपकी रिक्वायरमेंट किसकी इस परपेंडिकुलर की है तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस क्या बी का स्क्वायर ओके <kohan> okay. तो आपके पास एच स्क्वायर तो हो गया अब इसके बाद माइनस आपको करना तो यहाँ पे आपने माइनस लगाया बी का स्क्वायर मतलब यहां से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस दिस विल बी बेस यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में क्या बनेगा बेस बनेगा तो एक ये क्या होगा एक्चुअली ये अपना होगा प्रोजेक्शन होगा हुँ। क्या होगा प्रोजेक्शन किस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसका अल्फा माइनस ए वैक्टर का अल्फा वैक्टर माइनस ए वैक्टर का प्रोजेक्शन गिरेगा तो आप जानते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है गिवन वैक्टर डॉट गिवन वैक्टर इंटू डॉट जिसके ऊपर गिर रहा है अपॉन में उसका मॉड तो गिवन वैक्टर हमारे पास क्या है हमारे पास उसको बॉक्स के अंदर बंद कर लो जैसे प्रोजेक्शन ये आर था तो आर का प्रोजेक्शन ये ए था सपोज एक था ये और बी थे तो ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या था वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी अपॉन मोड ऑफ बी मॉड बी जिसके ऊपर गिरता था वो नीचे होता था तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे क्या वैक्टर है अल्फा माइनस ए तो अल्फा वैक्टर माइनस ए वैक्टर का किसके ऊपर गिर रहा है इसके ऊपर तो ये क्या भाई साहब ये बी वैक्टर जो डायरेक्शन है वो कौन सा है बी बी अपॉन ऑफ जिसके ऊपर गिरता है उसी को हम लोग लेते हैं अपॉन बी ऑफ और क्या लग जाएगा होल स्क्वायर क्यों लगेगा होल स्क्वायर स्क्वायर क्योंकि ये लगा हुआ है क्लियर है तो अल्टीमेटली ये फार्मूला आपके पास बन गया ये मैथड से आपको कोई मतलब नहीं आपको ये फार्मूला जो मैंने दिया है ये आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का अल्फा वैक्टर माइनस ए वैक्टर का होल स्क्वायर माइनस होल ब्रैकेट अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी अपॉन मॉड बी का होल स्क्वायर याद रखिएगा पहले ये मॉड रखिएगा अल्फा माइनस ए का मॉड ही चलेगा ये ओके और हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा बट आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है तो ये पहली वेक्टर मेथड है ये फॉर्मूला आपको बनना चाहिए बहुत अच्छे से चलिए तो इसके क्वेश्चन अभी हम करते हैं आगे बढ़ते हैं हमारे पास अब दूसरा एक और मेथड है जिसका है स्केलर कार्टिशन मेथड देख लीजिए तो कार्टिशन मेथड में आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन ले लेता हूं एग्जांपल का आपके एग्जांपल नंबर थर्टीन और इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको कार्टिशन मेथड एक्सप्लेन कर देता हूं ठीक ना क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी जीरो टू थ्री सो वी हैव गिवेन अ पॉइंट पॉइंट पी जीरो टू थ्री ओके और एक लाइन दी गई है एक लाइन दी गई है लाइन क्या दी गई है अपने पास में x प्लस थ्री अपॉइंट फाइव इक्वल टू वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू जेड प्लस फोर बाई थ्री ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है ओके किस फॉर्म में है कार्टिशन फॉर्म में है आपको निकालना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज ये पॉइंट पी एम है तो आपको पी एम की लेंथ निकालनी कि भाई साहब पी एम कितना होगा ये आपको फाइंड करना है तो देखिए ये ऑलरेडी क्योंकि कार्टिशन फॉर्म में है तो आप एक काम करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बेटा यहाँ पे एक पॉइंट ले लो लैमडा एक आप क्या ले लो लैमडा ले. ले लो तो क्यों ले लो क्योंकि आप इस पॉइंट को निकालना चाहते हो आप जानते हो कि मैंने बताया था कि इस इक्वेशन में लैमडा आता है और लैमडा टब आपको सपोज करना है जब आपको पॉइंट पता ना हो तो इस लाइन पर बैठा हुआ पॉइंट क्या है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड क्या है इस लाइन पर बैठे हुए जनरल पॉइंट जो कहीं भी हो सकते हैं यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी हो सकते हैं तो इस तरीके से एक्स प्लस थ्री हम लिखें आपको एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा लिखेंगे लेट एक्स प्लस थ्री बाई फाइव इक्वल टू वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू जेड प्लस फोर बाई थ्री इक्वल्स टू यू कंसिडर डैमडा सो एक्स इक्वल टू फाइव लैमडा माइनस थ्री वाई इक्वल टू टू लैमडा प्लस वन एंड जेड इक्वल टू थ्री लैमडा माइनस फोर ये आपके एक्स वाई जेड आ गए मतलब थोड़े समय के लिए आप ये मान लीजिए पॉइंट टाइम आपका आ चुका है कितना फाइव लेमडा माइनस थ्री टू लेमडा प्लस वन एंड थ्री लेमडा माइनस फोर ये आपके पॉइंट आ चुके हैं आ चुके हैं बताइए अब आप जब तक लेमडा नहीं फाइंड कर पाओगे तब तक ये आपको पॉइंट फाइंड नहीं होगा एग्जैक्टली एम अभी लेमडा के टर्म्स में है ओके <coughs> okay? अब देखिए आप इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो इस लाइन पी एम के डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं देखिए कैसे करेंगे तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन है और ये एक्स टू वाई टू जेड टू तो आपको मैंने पढ़ा रखा है ए इक्वल टू होता है एक्स टू माइनस एक्स वन बताया था मैंने ए इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन यदि कोई लाइन आपके सामने ज्वाइन कर रखी है दिस पॉइंट इज एक्स वन वाई वन जेड वन और ये वाला पॉइंट आपका एक्स टू वाई टू जेड टू है तो बेटा इसके जो लेंथ कंपोनेंट होते हैं ए इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एंड सी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन ये होते हैं तो यहाँ पे देखो पहला क्या हो जाएगा फाइव लेमना माइनस थ्री एक्स टू और एक्स वन तो जीरो है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यही बन जाएगा बी इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वाई वन कितना टू लेमडा प्लस वन माइनस टू तो टू लेमडा लिख देता हूँ एक बार आपके लिए बी इक्वल टू होता वाई टू माइनस वाई वन टू टू लेमडा प्लस वन माइनस का टू कितना, गया 1, कितना गया? 1, आ गया बेटा टू लेमडा माइनस वन कितना आ तो गया टू लेमडा माइनस वन बी आ गया सी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन तो ये जेड टू कितना यहाँ पे थ्री लेमडा माइनस फोर थ्री लेमडा माइनस फोर और माइनस का थ्री तो बेटा ये आ गया थ्री लेमडा माइनस सेवन क्लियर की नोट क्लियर अब देखिए लैमडा फाइंड करने की दिशा में अगला कदम क्या है हमारा ये देखिए ये जो लाइन है पी एम ये पी एम ये इसके परपेंडिकुलर है किसके परपेंडिकुलर गिवन लाइन के गिवन लाइन का आप नाम मान सकते हो ए बी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं इससे है ना गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर कंडीशन होती तो एक फॉर्मूला बनता हमारा जिसका नाम है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू आपने प्रैक्टिस की होगी थी स्कल टू जीरो याद आया कुछ कॉस थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल नाइन्टी डिग्री होता है जीरो तो ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू जीरो तो परपेंडिकुलर्टी का यहाँ पे केस लगेगा तो देखिए हमारे पास दो डायरेक्शन रेशियो हैं एक तो इस लाइन के ऊपर वाले परपेंडिकुलर लाइन के और नीचे वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये बैठे हैं फाइव टू थ्री फाइव टू थ्री बिकॉज जो एक फार्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है वो फाइव टू थ्री ऊपर के जो लेंथ पी के डायरेक्शन रेशियो है क्या वो ये जो आ गए हैं ए बी सी ओके तो हम लिखेंगे बाई द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर का नाम परपेंडिकुलरिटी लाइन ए एम इज परपेंडिकुलर सॉरी ये पी एम है लाइन पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी सो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा जीरो सो ए वन ऊपर वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो आए हैं फाइव लेमडा माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई मैं देखता हूँ डायरेक्शन रेशो क्या है प्लस दूसरा डायरेक्शन रेशो क्या है टू लेमडा प्लस वन इन टू बी टू जो आपके गिवन लाइन का है प्लस थ्री लेमडा प्लस फोर सी टू जो गिवन लाइन का इक्वल टू कितना होगा जीरो डायरेक्शन रेशो क्या है फाइव टू थ्री यहाँ मैं पुट कर देता हूँ फाइव टू थ्री फाइव थ्री बोले क्लियर है मेरे से गलती हो गई ओके बेटा यहां पे थैंक यू सो मच बेटा तो यहाँ पे माइनस होगा बिल्कुल सही ओके थ्री लेमडा माइनस फोर हाँ कितना हो गया बेटा थ्री इक्वल टू तो जीरो सही लिखा ना हाँ यही तो निकला ना थ्री लेमडा माइनस ओके माइनस सेवन है ये एक मिनट आ, आ, ओहो अरे बेटा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो आप ये पॉइंट है बेटा थ्री लेमडा माइनस फोर ये पॉइंट था माइनस फोर पॉइंट तो सही है ये लिखना था अपन को फाइव लेमडा माइनस थ्री टू लेमडा माइनस वन एंड थ्री लेमडा हाँ मैंने पॉइंट भी गलत लिख दिए हैं फाइव लेमडा माइनस थ्री पहला पहला तो सही है इंटू टू लेमडा माइनस वन डायरेक्शन रेशियो लिखना था यहाँ पे मेरे को मैंने वो लिख दिया टू लेमडा माइनस वन और यहाँ पे आएगा माइनस सेवन अब बिल्कुल सही है हाँ बहुत बढ़िया अलर्ट है आप चलिए आगे बढ़ते सॉल्व करते बेटा इसको तो फाइव टू ज ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव थ्री लेमडा भी आएगा ट्वेंटी फाइव लैमडा माइनस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन प्लस टू टू जो फोर लैमडा माइनस का टू और थ्री थ्री ज़ा नाइन लेमडा माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू कितना भैया ज़ीरो क्लियर की नॉट क्लियर ओके ट्वेंटी फाइव लैमडा प्लस फोर प्लस नाइन थर्टीन तो कितना हो गया भाई साहब अपने पास में ट्वेंटी फाइव लेमडा प्लस फोर लेमडा प्लस नाइन लेमडा सॉल्व करिए पच्चीस और चार उनतीस उनतीस और नौ थर्टी एट लेमडा थर्टी एट लेमडा माइनस का फाइव माइनस का ट्वेंटी वन और माइनस का टू तो <coughs> ये भी माइनस थर्टी एट इक्वल टू ज़ीरो सो थर्टी एट लेमडा इक्वल्स टू थर्टी एट सो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया बेटा वन लेमडा इक्वल टू वन ओके लेमडा की वैल्यू वन जैसे ही मिली आपको मिल गया फोट ऑफ पर ये देखिए भाई साहब जो लेमडा की वैल्यू जैसे ही आई आपके पास आ गया फोट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे एम लेमडा की वैल्यू वन डालेंगे तो फाइव वन या फाइव माइनस थ्री कॉर्डिनेट्स ऑफ एम है ना तो फाइव माइनस फाइव तो यहाँ पर टू हो जाएगा यहाँ पर टू वन या टू प्लस वन थ्री एंड थ्री वन ज थ्री माइनस फोर माइनस वन टू थ्री माइनस वन टू थ्री माइनस वन क्लियर सो लिखूँगा मैं यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम इक्वल टू टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस वन यही आया है ना टू थ्री माइनस वन देखिए आपको जब वेक्टर में पढ़ा रहा था तब एक क्वेश्चन आया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करिए अब मैंने कहा था बेटा अभी इसको रोक दो ये वेक्टर ये आएगा थ्री में ये तो यहाँ तक ये एक काम हो गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने का मतलब परपेंडिकुलर कहाँ पर गिरेगा उसका फुट उसके कोऑर्डिनेट निकालना क्लियर बट अब यहाँ पे ऊपर क्या डिस्टेंस निकालनी है हमको जीरो टू थ्री से जीरो टू थ्री तो ये पॉइंट है कितना करना पी जीरो टू थ्री और एम भी आ चुका है अब तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो एम कितना आ चुका है टू थ्री माइनस वन सो ना पी एम इक्वल टू फाइ डिस्टेंस फॉर्मूला पी एम इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन टू टू माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर क्लियर बेटा सो वॉट विल हैपन टू माइनस जीरो फोर थ्री माइनस टू वन का स्क्वायर वन वन माइनस थ्री माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सोलह चार बीस और एक अंडर रूट इक्कीस सो आंसर विल बी अंडर रूट ट्वेंटी वन यूनिट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आया समझ में तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं एक हमको फोटॉप पर पेंडिकुलर भी पूछ सकता है तो लेमडा की वैल्यू निकाल करके कोऑर्डिनेट्स में रख दो वो आ जाएगा फोटॉप पर पेंडिकुलर दूसरा अगर डिस्टेंस पूछ लिया तो भाई साहब डिस्टेंस निकाल देंगे क्लियर ओके <coughs> okay. चलिए आगे बढ़े अगला टॉपिक है बेटा टाइप ऑफ लाइंस। टाइप ऑफ lines देखिए लाइंस के टाइप का मतलब टाइप ऑफ लाइंस मतलब हमारे पास कोई लाइन है कितने टाइप की हो सकती है बेटा तो मेनली हमको दो केसेस में क्लासिफाई करना हमको लाइन को पहला हो सकता है कि लाइन में भी प्लेनर यानी को बोलते हैं को प्लेनर क्या बोलते हैं बेटा कोप्लेंर क्योंकि बेटा एक ही प्लेन में है तो दीज आर दीज में भी कॉल को प्लेनर लाइन एक ही प्लेन में है ओके और अगर दूसरी लाइन जो जो एक प्लेन में नहीं है दैट इज कॉल्ड नॉन कोप्लर एक है कोप्लैनर एक है नॉन कोप्लनर स्पेलिंग गलत है क्या ठीक है हसी क्यों आ रही तुमको एक है कोप्लेनर एक है नॉन कोप्लनर <coughs> अब कोप्लैनर के बेटा दो केस बन सकते हैं को प्लेनर के कितने केस बनेंगे बेटा दो केस अगर लाइन किसी एक प्लेन में है तो आइदर जैसे एक प्लेन है एक लाइन अगर किसी प्लेन में है तो यह तो पैरेलल हो सकती है या वो लाइन क्या हो सकती है इंटरसेक्टिंग है हाँ ना तीसरा केस इंसिडेंट है हालांकि वो अपने काम का नहीं है ठीक है ना तो यह तो पैरेलल है या क्या है इंटरसेक्टिंग है ठीक है ना <coughs> अगर लाइन पैरेलल है बेटा तो इसके बीच की कुछ डिस्टेंस बनेगी वी कैन से द डिस्टेंस इज हियर डी ऐसे दो लाइन पैरेलल है बेटा ये पैरेलल है तो इनके बीच की डिस्टेंस थ्रू आउट सेम रहेगी रहेगी कि नहीं रहेगी क्योंकि पैरेलल है नो? और यहां दोनों के बीच में डिस्टेंस निकलेगी और अगर नॉन पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग है, तो डी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना जीरो जीरो हो जाएगा तो इंटरसेक्टिंग आ जाएगी क्लियर ओके okay. अब अगला तो अब हम देखते हैं कि पैरेलल होने की कंडीशन पैरेलल लाइन की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है ठीक है ना अब हम बता रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन कितनी हो जाएगी जीरो बचा पैरेलल का तो अब हम फार्मूला बता रहे हैं आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है भाई ये हम फार्मूला आपको दिखा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का सपोज आपके पास दो लाइन पैरेलल है पहली लाइन है वेक्टर आर इक्वल्स टू ए वन प्लस लेमडा वैक्टर बी ये किससे जा रही है ए वन से रही किससे जा रही है ए वन से दूसरी लाइन है वैक्टर आर इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा वैक्टर बी प्लस म्यू वैक्टर बी क्या चेंज किया मैंने इसकी डायरेक्शन भी किसके पैरेलल है बी के पैरेलल है बोलो जी ये सुनो और पैरेलल है तो इसकी भी डायरेक्शन किसके पैरेलल होगी बेटा बी के ही पैरेलल होगी क्योंकि दोनों रास्ते अगर दिल्ली जा रहे हैं तो दोनों रास्ते पैरेलल भी तो होंगे ये सुनो तो दोनों का सेम पैरेलल बनेगा वेक्टर बी वेक्टर बी हाँ ये अलग पॉइंट से जाएगी और ये अलग पॉइंट से जाएगा बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर अब इनके बीच के डिस्टेंस फार्मूला आपको निकालना है बेटा तो डिस्टेंस फार्मूला इनके बीच का याद कर लो बोलेंगे डी इज इक्वल टू मॉड लगाइए क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आएगी बट हमको आंसर किस में देना है पॉजिटिव में डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन ठीक है तो पहले लाइन की डिस्टेंस ए टू माइनस ए वन क्रॉस क्रॉस बी कैप बी कैप मतलब डायरेक्शन रेशियो का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर का यूनिट वेक्टर याद रखिएगा यहां पे क्रॉस रहेगा क्या रहेगा यहां पे क्रॉस रहेगा दूसरा फॉर्मूला इसी को अल्टरनेट और d इज इक्वल्स टू ओ ए मॉड नहीं लगे भाई डिस्टेंस है d इज इक्वल टू मॉड ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर ठीक है ना क्रॉस वैक्टर b का कैप को क्या तोड़ोगे वैक्टर b अपॉन मॉड बी तो कुछ लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं इसको इस तरीके से बात एक ही की है चाहे आप बी कैप का क्रॉस कर लो चाहे आप वैक्टर बी अपॉन मॉड बी कर लो ठीक है ना तो इससे आप उड़ा करके दोनों लाइन के बीच की पैरेलल लाइन के बीच का फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे क्लियर ठीक है अब आप मान के चलिए आप दोनों लाइन को सॉल्व कर रहे थे और आपका डिस्टेंस सॉल्व करने पर कितनी आ गई जीरो अगर जीरो आ गई है इफ दिस इज इक्वल टू जीरो मतलब वो लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग है कैसी है लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यदि इंटरसेक्टिंग का केस यदि मैं देखना चाहूंगा फॉर इंटरसेक्टिंग एक केस यहां से मैं बना देता हूं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स d इज इक्वल्स टू जीरो क्लियर बेटा डोरों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी जीरो मतलब मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन क्रॉस वैक्टर बी अपॉन मॉड वैक्टर बी इक्वल टू कितना बेटा जीरो बोले सोनो डिनोमिनेटर को जीरो के साथ ले जाओ एक नया फॉर्मूला आपके पास बनके तैयार हो जाएगा ए टू माइनस ए वन का अगर ए टू माइनस ए वन का अगर बी के साथ क्रॉस जीरो हो जाएगा क्या आ जाएगा जीरो क्योंकि ये तो जीरो साथ चला गया जीरो हो गया तो ये किसकी कंडीशन है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन की किसकी लाइन की कंडीशन है हाँ सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन तो अगर कभी भी आपको बोलेगी शो करो कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है दोनों लाइनें तो आप क्या कर दोगे बेटा दोनों को लेकर के इस तरीके से जीरो कर दोगे क्लियर क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी ठीक नेक्स्ट अगला एक मिनट इंटरसेक्टिंग करने से ज्यादा इनको अच्छा है क्योंकि पैरेलल वेक्टर है इनको कोइंसाइड बोलना चाहिए इंटरसेक्टिंग ना बोले इनको हम क्या बोले कोइंसाइड, क्यों कारण क्या है कौन साइड बोलने का देखिए दोनों का पैरेलल वेक्टर है वेक्टर बी इसका भी क्या है वेक्टर बी अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो यदि ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे तभी इनके बीच की गैप जीरो होगी हाँ ना, ना। तो भैया पैरेलल वेक्टर होने की वजह से ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी ठीक है ना क्लियर की नॉट क्लियर क्योंकि दोनों का वैक्टर पैरेलल है ठीक है ना यस तो दोनों का वैक्टर पैरेलल है चलिए ये हो गया हमारा कोप्लेनर तो कोप्लेनर में दो सीन है या तो लाइन हमारे पास क्या हो सकती है पैरल और या तो हो सकती है क्या इंटरसेक्टिंग क्लियर अब आइए देखते हैं नॉन कोप्लेनर एक ही प्लेन की ना एक ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन में ना हो ओके okay? कैसे दिखेंगी ये मान लीजिए एक ही लाइन जा रही है ये जा रही है एक लाइन इसका नाम है वेक्टर आर इजिक्वल्स टू वैक्टर ए प्लस लेमडा वैक्टर बी अब एक लाइन जो है ये इधर से आ रही है सामने से आपके स्क्रीन को फोड़ करके अंदर की ओर जा रही है मतलब यहाँ पर आपको बस ये दिखाई देगा कि एक पॉइंट है जिससे ये फोड़ करके अंदर जा रही है यहाँ से आई है और वो उस तरफ चली गई महसूस कर पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन को फोड़ करके बोलिए सुनो अब इन दोनों लाइनों को आप एक कागज़ में ड्रॉ नहीं कर सकते हो किसी हालत में बताइए ड्रॉ हो पाएंगे क्या कागज़ में क्योंकि उसका प्लेन अलग है और हमारी लाइन का प्लेन अलग है यदि हम एक कागज़ में ड्रा भी करें बेटा इस लाइन को यदि मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए ये जो लाइन है मेरे कागज को फाड़ करके बाहर निकल रही है निकल रही कि नहीं निकल रही है तो ऐसी लाइन जो कहलाती है क्या कहलाती हैं स्क्यू लाइन कहलाती हैं इन्हीं को नॉन कोप्लेनर लाइन बोलते हैं या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है बेटा एसक्यू लाइन्स क्या होता है एसक्यू लाइन <coughs> अब बेटा हमको निकालना है इस लाइन का हमारी गिवन लाइन से डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये देखिए ये मेरे पास पहली लाइन है मेरी वेक्टर आर इक्वल टू वैक्टर ए प्लस लेमडा वैक्टर बी बोलिए हाँ ना और यहाँ से इस पॉइंट मेरे प्लेन को फोड़ करके एक लाइन यहाँ से निकल रही है बोले हाँ ना तो बेटा ये समझो इस आपको इस लाइन की इससे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है तो बेटा जब ये मेरे प्लेन जस्ट इसके ऊपर होगी जब ये लाइन जो जा रही है मेरी वाली, वाली, इसके वाली ऊपर वाली नॉन को बेटा जस्ट इसके ऊपर होगी बोलो हाँ ना तो उस समय वहां पर जिस पॉइंट पे ये पेपर को होल कर रही होगी जैसे मान लो अपन में कॉपी में आप एक पेपर घुसाड़ रहे हो तो जिस पॉइंट से आप होल कर रहे हो गए वहां से यदि मैं परपेंडिकुलर डालूंगा उस पॉइंट से तो बताओ वो पर पॉइंट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा कि नहीं देगा उसी पॉइंट पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा तो ये पॉइंट पी है ये पॉइंट एम है मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन का इक्वेशन मैं क्या मान लूँ इस लाइन का इक्वेशन मान लेता हूँ वैक्टर आर इक्वल टू वैक्टर ए टू वेक्टर आर इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस देखो लेमडा यहाँ पे म्यू यहाँ पे ये बी वन हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी टू हो जाएगा याद रखिएगा पिछले बार बी बी हो रहा था क्योंकि दोनों पैरेलल थी और पैरेलल लाइन में दोनों के डायरेक्शन वेक्टर सेम होते हैं बट यहाँ पर अभी बी बी नहीं हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर दोनों के क्या होंगे अलग अलग तो एक हो गया बी वन एक हो गया बी टू ठीक है <coughs> तो एक हो गया बी वन एक हो गया बी टू अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच की क्या निकालनी है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इसके लिए आपको मैं फार्मूला बता रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आप याद करें वही उसी तरीके से पाइथाइथागोरस लगा के निकलता है उतना आपको कुछ नहीं करना है तो वैक्टर <coughs> देखिए तो इसका जो फॉर्मूला होता है सपोज ये पॉइंट अपन ने यहाँ पे पीएम लिया है कोई बात नहीं तो पीएम से ही फॉर्मूला बना देते हैं हम लोग पी एम इज इक्वल टू बेटा मॉड लगेगा ये yes सोनो no. क्या लगेगा मॉड याद रखना बेटा ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन ओके पिछले वाले फॉर्मूले में क्रॉस था इस वाले में क्या लगेगा डॉट ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू बी वन क्रॉस बी टू होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो ये जो है दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या है फॉर्मूला अब इससे केस बनेगा बेटर इंटरसेक्टिंग का जैसे देखो अब ये लाइन है यदि इसको आप नीचे करते जाओ नीचे करते जाओ नीचे करते जाओ तो एक सीन बनेगा कि जब ये लाइन नीचे आ जाएगी अलग से डायग्राम बना देता हूं ये देखिए अपनी मेन लाइन थी और यहां से ये लाइन निकल रही थी इस वाली अगर आप इसको नीचे करते जाओगे नीचे करते जाओगे मतलब ये पी पॉइंट था और ये क्या था एम पॉइंट था एम पॉइंट था अगर आप इस लाइन को ये जो पिंक वाला सीन है इस पॉइंट को अगर आप नीचे करते जाओगे और नीचे और नीचे और नीचे तो एक समय आएगा बेटा कि ये इसके ऊपर इंटरसेक्टिंग हो जाएगी बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी और जैसे ही ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगी बेटा तो ये कोप्लेनर हो जाएगी क्योंकि ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइन किस में होती है एक प्लेन में अब ये एक प्लेन से जाएगी बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी जैसे आप एक पेपर में नहीं लाइन खींच देते हो कि ये चली गई तो मतलब इसका मतलब अगर इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस पी एम इक्वल टू कितना होगा जीरो तो एक नया फॉर्मूला हमारा बनने के तैयार है इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या बनेगा मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू होल डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू कितना बेटा जीरो यस yes, तो ये क्या बन जाएगा बेटा इसको इधर जान दो तो ये बन जाएगा ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जीरो तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया किसका इंटरसेक्टिंग लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा कोप्लेनर होती हैं तो आप और लगा के इसको कोप्लेनर भी बोल सकते हो और कोप्लेनर लाइंस समझ में आ गया तो यदि कोप्लेनरिटी साबित करनी हो या इंटरसेक्शन प्रूफ करना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो क्लियर इसका स्केलर फॉर्म देख लीजिए इसका स्केलर फॉर्म भी यहीं से बनाया जा सकता कैसे बनेगा ए टू माइनस ए वन तो पहले मैं जनरेट करता हूँ वैक्टर ए टू माइनस ए वन कैसे बनेगा स्केलर फॉर्म किसका बनाना है डिस्टेंस बिटवीन कोप्लेनरिटी का है ना तो डी किसका बनाना है इसका बनाना मैम ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो का स्केलर फॉर्म बनाना देखो ये कैसे बनेगा ए टू माइनस क्या है मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप बोलिए यही तो है ना ए टू माइनस दो पॉइंट वेक्टर का डिफरेंस ये सोनो ये हो गया पहला वेक्टर हमारा क्लियर है बेटा फर्स्ट वेक्टर डॉट लगा है बीच में और बी वन क्रॉस बी टू तो बी वन क्रॉस बी टू क्या होते हैं डायरेक्शन वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर में क्या आएगा पहले वाले डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं ए वन बी वन सी वन और दूसरे वाले ए टू बी टू इक्वल टू कितना जीरो अब चलिए जब डॉट प्रोडक्ट होता, होता है डॉट होता है मैट्रिक्स का तो सारे एलिमेंट से होता है है ना तो देखिए आई कैप मतलब जब इसका हम सॉरी मैं सारे एलिमेंट बोल गया एक से होता किसी से तो बेटा मैट्रिक्स में, में सबसे होता है डिटर्मिनेंट में किसी एक से होता है तो चलो अपन ऊपर करेंगे तो आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा वन बन जाएगा जे कैप का जे कैप से क्या होगा वन बन जाएगा और के कैप का के कैप से क्या हो जाएगा वन बन जाएगा बाकी सब जीरो हो जाएंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला ऊपर पे आके कौन बैठ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और यहां पे जेड टू माइनस जेड वन बॉक्सपंद यहां पे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू इक्वल्स टू कितना जीरो ये बन गई किसकी कंडीशन है को प्लेनरिटी की कह लो या इंटरसेप्टिक की कह लो क्लियर है कार्टिशन yes. फॉर्म में किस फॉर्म में कार्टिशन फॉर्म में ठीक है एनी प्रॉब्लम ठीक है ना यस yes. yes. तो ये कार्टिशन फॉर्म में हमारा बन गया प्लेनिटी की कंडीशन ठीक है ना एक बार इस क्यू लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला हम किस में डिराइव कर लेते हैं कार्टिशन फॉर्म में तो पी एम कितना था ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो ऊपर वाले हिस्से का फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको डेवलप करके दिखाया था क्या दिखाया था इसको मैंने दिखाया था अभी आपके पास आया था एक्स टू माइनस एक्स वन y2 टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन क्लियर एक्स टू प्लस वाई टू माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन क्या कर रहा हूँ मैं एक्स टू माइनस एक्स वन थोड़ी दूर पे y2 टू माइनस वाई वन थोड़ी दूर पे जेड टू माइनस जेड वन यहाँ पे ए वन बी वन सी वन और यहां पे ए टू बी टू सी टू क्लियर इधर पे ए वन बी वन सी वन है और इधर पे ए टू बी टू सी टू है बहुत बढ़िया तो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू अब इसके बाद यहां पे देखिए ये तो हो चुका है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू अब नीचे क्या आ रहा है नीचे आ रहा है बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड तो एक्चुअली आपके पास बी वन क्रॉस बी टू होता क्या पहले ये समझो आई कैप जे कैप के कैप ए वन ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू ये आपके पास होता है तो इसको आप क्या करोगे इसको आप लगाओगे यहाँ पे अंडर रूट ओके जब इसका आप मॉड लोगे तो ध्यान से देखो मॉड लेने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको तो आई कैप के साथ क्या आता है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन तो उसी का तो स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि उसका कोफ़िशेंट वही तो बनेगा तो क्या बन जाएगा पहला बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर फिर आता है माइनस जे कैप और अंदर क्या आता है ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन तो अगला बन जाएगा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का होल स्क्वायर एंड लास्ट में क्या बनता है कैप के साथ में A1 B2 माइनस ए टू बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर बस हो गया इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए अब आ ही गया मैग्नीट्यूड ऊपर भी हाँ इसका ये कर लेंगे इक्वल टू और ये बड़ा सा इसमें लगा दीजिए मैग्नीट्यूड क्योंकि निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देना ठीक है तो ये बन गया बेटा कौन सा फॉर्म इसका कार्टिशियन फॉर्म कौन सा फॉर्म बन गया Cartesian. हाँ <coughs> तो अगर आपको जल्दी करना है और क्वेश्चन कार्टीशियन फॉर्म में दिया गया है तो बेस्ट मेथड नहीं तो फिर वही वाला इसके अपना वेक्टर फॉर्म लगा दो आप ठीक है ना क्लियर और ये डिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगी तो मतलब लाइन कैसी है कोप्लेनर है और इंटरसेक्टिंग है क्लियर तो यहाँ पे आपका लाइन वाला सेगमेंट पूरा फिनिश होता है अगला सेगमेंट है प्लेन ठीक है ना जो कि हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज ऑन साइनिंग ऑफ